हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल. लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 6th, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स. इन दैट फर्स्ट वन वी हैव टू गिव अ नंबर 21. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ थ्री ऑड नंबर. अब 21 है, 21 को हमें उस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो थ्री ऑड नंबर का, थ्री ऑड प्राइम नंबर का सम बने. यानी 21 तक पहुंचने के लिए हमें थ्री प्राइम ऑड नंबर चाहिए. ओके, तो वो कौन कौन से हो पाएंगे? वो हो पाएंगे 13 + 3 + 5. 13 + 3 = 16 + 5 = 21. यहाँ पे ये तीनों नंबर ऑड प्राइम नंबर है, 13, 3 and 5. तो इस तरह से हमें करना है. सेकंड वन बी 31. ओके, अगेन सेम रूल फॉलो करेंगे हम. तो 31 एडिशन हो जाएगा 5 + 3 + 23. ओके, मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये नंबर लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी और कोई नंबर हो सकते हैं मे बी. ओके, तो वो भी आप लिख सकते हो, सिर्फ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. आप जो भी नंबर यहाँ पे ले रहे हो वो ओड प्राइम नंबर होने चाहिए. ओके, देन सी 53. ओके, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 13 + 17 + 23. ओके, 13 + 17 हो जाएगा 30 + 23 = 53 हो जाएगा. ठीक है, तो उसी तरह फोर्थ वन डी 61, वो आपको खुद की तरह ट्राई करना है. क्वेश्चन नंबर 11. राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5. ओके, हमें यहाँ पे ऐसी पेयर बनानी है, पेयर यानी जोड़ी, ऐसे प्राइम नंबर की जो लेस देन 20 हो. जो हम पेयर बना रहे हैं उसमें जो नंबर आए वो लेस देन 20 होने चाहिए एंड वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए. यानी 5 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. चलो, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? तो सबसे पहले हम बोल पाएंगे 2 + 13 कितना हो जाएगा 15, एंड 15 है वो 5 से पूरा डिविजिबल है. 15 को 5 से डिविजिबल हम कर पाएंगे, डिविजिबल बाय 5 है, 5 × 3 = 15 हो जाएगा. और कौन सा हम नंबर ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 3 + 17. यहाँ पे ये जो दो नंबर है पेयर हमने बनाया 2 + 13, तो ये दोनों नंबर आप दूसरे कोई भी ले सकते हो, सिर्फ कंडीशन उतनी कि वो 20 से लेस होने चाहिए एंड प्राइम नंबर होने चाहिए. ओके, यहाँ पे इसका सम 20 आ रहा है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो दो नंबर ले रहे हो वो 20 से कम होने चाहिए. अगेन 20 है वो भी डिविजिबल बाय 5 है. ठीक है, और हम कौन सा नंबर ले सकते हैं? ले सकते हैं 2 + 3 5. 5 भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है. ओके, फाइव को हम 5 से डिविजिबल कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 लिखे, बाकी के दो आपको आपके खुद की तरह लिखने. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स है. A
नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड, ओके, ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर है, ओके, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर. वो दो फैक्टर कौन से होंगे? वो होंगे एक तो वन एंड दूसरा इटसेल्फ, खुद ही, ओके. फॉर एग्जांपल नंबर थ्री, तो थ्री के कौन से फैक्टर बनेंगे? वन मल्टीप्लाई थ्री, ओके. तो यहाँ पे थ्री है, उसका दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो थ्री खुद एंड दूसरा वन. बी, अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड, ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजाइट नंबर, ओके. चलो थर्ड वन, सी, वन इज नाइदर डैश नोर डैश, ओके. वन है वो कैसा नंबर है, सॉरी कैसा नहीं है? तो हमने देखा था नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजाइट नंबर. वन है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजाइट नंबर भी नहीं है. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? ओके, टू. हमने देखा था सिर्फ टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ओके. क्योंकि बाकी के सब प्राइम नंबर है वो ऑड है, सिर्फ एक टू है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है. ई, द स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजाइट नंबर यानी जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनेंगे ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो वो हो जाएगा फोर, ओके. चलो एफ, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर वो हो जाएगा हमारा टू, ओके. टू है वो सबसे छोटा इवन नंबर है. थैंक यू.